क्या आप केरल के कोची शहर के बारे में जानते हैं? केरल में कोची द्वीपों की श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। लेकिन क्या आप इस शहर के सबसे पुराने चर्च के बारे में जानते हैं? इस चर्च को कब और किसने बनवाया? क्या आप ये भी जानते हैं वास्को डी गामा को इस चर्च में कितने सालों के लिए दफनाया गया था? ऐसे और भी कई खास सवालों का जवाब आज हम आपको इस एपिसोड में देंगे। प्राइड ऑफ इंडिया के इस एपिसोड में आज हम कोची के भारत के सबसे पुराने यूरोपियन चर्च के बारे में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सेंट फ्रांसिस चर्च का धार्मिक के साथ ऐतिहासिक महत्व क्या है। केरल का कोची शहर मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने घूमा है। अगर नहीं घूमा तो इंटरनेट पर उसके बारे में जाना और देखा जरूर होगा। ये शहर ताड़ के पेड़ के लिए खूब फेमस है। नीला आसमान, क्रिस्टल की तरह साफ और हरे भरे पेड़ जादू से कम नहीं लगते। लेकिन यहाँ और खास चीज है, कोची का सेंट फ्रांसिस चर्च जो भारत का पहला यूरोपियन गिरजाघर है। इस चर्च को 1503 ईस्वी में बनाया गया था। कई हमलों और अनगिनत समझौतों के साक्षी इस चर्च को कोची के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये चर्च कोची किले के बाजू में स्थित है। कोची के इस चर्च की सबसे खास बात यह है कि इसके तार महान पुर्तगाली वास्को डी गामा से जुड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि चर्च से वास्को डी गामा का क्या लेना देना है। वास्को डी गामा, जिनका निधन 16वीं शताब्दी में हुआ था, उन्हें सेंट फ्रांसिस चर्च में ही दफनाया गया। हालांकि 14 साल बाद उनके शव को यहां से लेसबान ले जाया गया। वास्को डी गामा तत्कालीन कालीकट के निकट कप्पड़ में 1498 में पहुंचे थे। कोचीन के राजा की इजाजत से उन्होंने कोचीन फोर्ट का निर्माण किया और फोर्ट के अंदर ही लकड़ी से बनी एक चर्च का निर्माण किया जो संत बार्थोलोमियो को समर्पित थी। हालांकि 1506 में फ्रांसीसी भिक्षुओं ने सीमेंट, बालू और ईंटों का इस्तेमाल कर इसको फिर से बनाया। नए चर्च का निर्माण 1516 में पूरा किया गया। 1516 में फिर से चर्च बनाने के बाद जब प्रोटेस्टेंट डच लोगों ने शहर पर हमला किया तो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को पूरा ध्वस्त नहीं किया। उन्होंने 1804 में चर्च को अंग्रेजी चर्च के लोगों के नियंत्रण में दे दिया और फिर ये चर्च सेंट फ्रांसिस को समर्पित कर दिया गया। इस चर्च के लॉन के बीच एक कब्रगाह भी है। इस कब्रगाह को 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कोची वासियों की याद में बनाया गया था। मैं कोची घूमने गई तो पहले इस फेमस चर्च को ही देखा। वही मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों पर्यटक हर रोज इस चर्च को देखने आते हैं। सेंट फ्रांसिस चर्च में आपको गॉड के अलावा कई पुरानी और ऐतिहासिक चीजें भी देखने को मिलेंगी जो यहाँ आए लोगों को खूब आकर्षित करती हैं। वहीं इस चर्च को साल 1923 में संरक्षित स्मारक अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया था। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।